दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबा क्रिकेट कार्यक्रम अब अपने आखिरी चरम पर पहुंच चुका है। 3 मैच की वनडे सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने जीती और वहीं टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए T20 सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम किया। अब 17 दिसंबर से दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी और दोस्तों, सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस टेस्ट में रोहित शर्मा की भी वापसी हो सकती है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि वनडे और T20 सीरीज़ में रोहित को टीम में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि अभी तक इसका कोई पुख्ता कारण नहीं मिल पाया है कि क्यों रोहित को टीम से बाहर रखा गया। BCCI ने भी साफ साफ कुछ नहीं कहा और वहीं रोहित की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया था। लेकिन दोस्तों, अब टेस्ट सीरीज़ में रोहित शर्मा की वापसी लगभग कंफर्म हो गई है, क्योंकि हाल ही में अभ्यास के दौरान रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए। रोहित ने नेट्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सभी को ये बताया कि वो भारतीय टीम में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और टेस्ट सीरीज़ में उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और दोस्तों, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे, इसीलिए कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा को टीम में शामिल ज़रूर किया जाएगा। और जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित नेट्स में कर रहे हैं, उसे देखकर BCCI भी उनकी टीम में जल्द ही वापसी कराएगी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ये टेस्ट सीरीज़ कई मायनों में खास रहने वाली है। सबसे पहले तो ये सीरीज़ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंतर्गत खेली जानी है। 17 दिसंबर से एडिलेड में खेले जाने वाला पहला टेस्ट पिंक बॉल से खेला जाएगा। वैसे तो दोनों टीमें पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेल चुकी हैं, लेकिन पहली बार इनका आमना सामना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट खेलने वाली भारतीय टीम पहली बार विदेशी सरजमी पर यह चुनौती स्वीकारेगी। वहीं सीरीज़ का दूसरा मुकाबला ऐतिहासिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के रूप में दुनिया का मनोरंजन करेगा। ये टेस्ट 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG में खेला जाएगा। चोटिल होकर पहले टेस्ट से बाहर हो चुके डेविड वार्नर इस मुकाबले तक फिट होने की दुआई कर रहे होंगे और वहीं भारत को भी नए कप्तान के साथ ये मैच खेलना होगा, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद हो सकता है कि विराट कोहली पैटर्निटी लीव में स्वदेश लौट जाएं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ में धूल चटा पाएगी या नहीं? अब दोस्तों, आपको बता दें कि ये मैच हारने के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वो बड़े कारण बताए हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो बड़े कारण। पहला कारण रहा भारतीय टीम की खराब फील्डिंग। जी हाँ दोस्तों, हमने वनडे सीरीज़ में भी देखा था और अब T20 सीरीज़ में भी हमने यही देखा है कि भारतीय टीम ने लगातार खराब फील्डिंग की है, जिसकी बदौलत विरोधी टीम को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इस मैच में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा कि खराब फील्डिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा रन बनाए। वहीं दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण रहा युजवेंद्र चहल की खराब गेंदबाजी। जहां दोस्तों, दरअसल जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी कर रही थी और ग्लेन मैक्सवेल चौके छक्के बरसा रहे थे, तब 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल ने मैक्सवेल को आसानी से आउट किया, लेकिन बाद में देखा गया तो ये नो बॉल थी और यहाँ पर मैक्सवेल को एक जीवनदान मिला और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो हम सभी ने देखा। ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों, युजवेंद्र चहल की ये नो बॉल भारतीय टीम पर काफ़ी भारी पड़ी। वहीं दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण रहा खराब अंपायरिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 80 रन बनाने वाले मैथ्यू वेड पहले ही आउट हो जाते, लेकिन अंपायर ने भारत के रिव्यू को ठुकरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई पारी के 11वें ओवर की 4थी गेंद पर मैथ्यू वेड LBW आउट थे। भारत ने रिव्यू लेने में थोड़ी देर कर दी और बड़ी स्क्रीन पर साफ दिखा कि वेड आउट थे, मगर अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। इस तरह से मैथ्यू वेड को जीवनदान मिला और इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 80 रनों की शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि अंपायर के इस फैसले की चर्चा पूरे विश्व क्रिकेट में हो रही है। वहीं दोस्तों, बात करें चौथे और सबसे बड़े कारण की, तो वो रहा KL राहुल, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की खराब बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय टीम को इतना बड़ा स्कोर चेस करना था तो सलामी बल्लेबाज KL राहुल को एक अच्छी शानदार शुरुआत देनी थी, लेकिन वो पहले ही ओवर में बिना खाता खोले ही आउट हुए। इसी तरह से श्रेयस अय्यर भी 0 रन बनाकर आउट हुए और संजू सैमसन भी ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और उन्होंने भी मात्र 10 रन बनाए। ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं इन बल्लेबाजों को अच्छी पारी खेलनी थी जिससे कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाती, लेकिन इन सभी ने निराश किया और यही कारण है कि भारतीय टीम यह मुकाबला भी हारी। ऐसे में दोस्तों, आपको इस मैच में भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या लगा? भारतीय टीम की खराब गेंदबाजी या फिर फील्डिंग या फिर बल्लेबाजी? हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आपको इस मैच में विराट कोहली की बल्लेबाजी कैसी लगी, ये भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी और उनके सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड और एरॉन फिंच के बीच अच्छी साझेदारी नहीं हो पाई और दूसरे ही ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान एरॉन फिंच कैच आउट हुए, वो बिना खाता खोले ही आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ और वो भी ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 10वें ओवर की चौथी गेंद पर वो भी आउट हुए। उन्होंने 23 गेंद में एक चौके की मदद से 24 रनों की पारी खेली। इसी बीच दोस्तों सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने बेहतरीन पारी खेली और एक अर्धशतक जमाया और 50 ठोकने के बाद भी वो लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते गए और एक के बाद एक चौके छक्के बरसाए। आपको बता दें इसी बीच बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल और उन्होंने भी एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक ठोका। हालांकि उसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर आखिरकार मैथ्यू वेड आउट हुए। उन्होंने मात्र 53 गेंदों में 7 चौके और 2 लंबे छक्कों की बदौलत 80 रनों की एक तूफानी पारी खेली। इसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भी आउट हुए। उन्होंने अपने पारी में 36 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 3 लंबे गगनचुंबी छक्कों की मदद से 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद दोस्तों डार्सी शॉर्ट भी रन आउट हुए, उन्होंने 3 गेंद में 7 रन बनाए। इसके अलावा डेनियल सेम्स 2 गेंद में 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसी तरह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। अब दोस्तों आपको बता दें कि 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ज़्यादा कुछ खास नहीं रही और पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज केएल राहुल बिना खाता खोले ही कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और उन्होंने शिखर धवन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि यह पार्टनरशिप बड़ी होती 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन भी कैच आउट हुए। उन्होंने 21 गेंद में 3 चौकों की मदद से 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन और वो भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 13वें ओवर की 3री गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 9 गेंद में 10 रन बनाए। इसी बीच दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक ठोका और वो एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके छक्के मार रहे थे और फिर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, लेकिन दोस्तों वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 13वें ओवर की ही आखिरी गेंद पर वो भी LBW आउट हुए। वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और एक गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों ये खबर लिखे जाने तक कप्तान विराट कोहली 55 गेंद में 78 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और वहीं हार्दिक पांड्या भी 8 गेंद में एक छक्के की बदौलत 9 गेंद बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। कर दिया उन्होंने एक के बाद एक 2 छक्के लगाए और भारत ने ये मुकाबला जीत लिया। इस मैच में पांड्या ने 22 गेंदों में 3 चौके और 2 लंबे छक्के मारते हुए 42 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अब दोस्तों आपको बता दें कि मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी एरॉन फिंच ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैच के नज़रिए से ये अविश्वसनीय पारी थी। हमें पता है कि पांड्या कितने खतरनाक हैं, इससे पहले हम धोनी को देख चुके हैं और पांड्या ने आज उसी तरह से बल्लेबाजी की। पांड्या ने इस साल बेहतरीन बल्लेबाजी की है, IPL में भी हम सभी ने देखा था। ऐसे में यह जाहिर है कि ये बहुत ही शानदार पारी थी। फिंच ने आगे कहा कि पहले महेंद्र सिंह धोनी भारत को ऐसे ही मैचेस जिताया करते थे और अब हार्दिक पांड्या भी कुछ ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। अगर पांड्या भारतीय टीम में ना हो तो भारत का जीतना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों फिंच ने स्वीकार किया कि भारतीय टीम को T20 के कई अनुभवी खिलाड़ियों के होने से फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरा मैच काफ़ी करीबी था। T20 के अनुभवी खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम आज हम पर भारी पड़ी। साथ ही दोस्तों फिंच ने बल्लेबाजी के दौरान कुछ शानदार शॉट लगाने वाले भारतीय कप्तान की भी तारीफ की। कोहली ने इस मैच में 24 गेंदों में 40 रनों की पारी खेलकर